किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। हमने किसानों के साथ कई दौर के चर्चा की, उन्होंने अलग अलग जो ज्ञापन दिए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, जो मुद्दे से उनको कुछ शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियां थी, उस पे भी हमने चर्चा लाने की कोशिश की। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फ्लाक क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं कि भाई ये पूरी व्यवस्था जो है इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है, हम पुराना ऑप्शन बंद नहीं कर रहे, नया ऑप्शन दे रहे। कौन सा ऑप्शन तय करना वो किसान पर निर्भर है, और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है? सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। देखिए पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। उस पर समय भी थोड़ा लगेगा, हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50% मुनाफा ये हमने ही सुनिश्चित किया है।